अब हम अपने हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, अब हम गुलाम नहीं रह गए अंग्रेजों के, अब हम किसी के गुलाम नहीं है कि जो उनके द्वारा दी गई चीजों का प्रयोग करेंगे, हम गर्व से अपनी मातृभाषा में, अपनी राष्ट्रभाषा में अब हम अपने स्थानों का नाम ले सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1911 में क्या हुआ कि भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करने की बात कही गई। अब कलकत्ता से दिल्ली तो राजधानी बदल ली थी, लेकिन क्या था कि अब इसके उद्घाटन में किसी को बुलाना था। अब उद्घाटन में बुलाना किसको था, तो भाई वहां के सम्राट जॉर्ज पंचम। ये सब इंग्लैंड में ये सब राजा होते हैं, हमारे यहाँ हर व्यक्ति खुद में राजा होता है, ठीक, क्योंकि वहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था, और हमारे यहाँ अब स्वतंत्रता के बाद गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आ चुकी है। हम किसी के गुलाम नहीं है, अब ना किसी को गुलाम बनाना चाहते। तो ये हुआ कि जॉर्ज पंचम को बुलाया जाएगा और भाई नई दिल्ली में ही आएंगे। नई दिल्ली, यही रीजन है कि भारत के गवर्नर जनरल ने एडविन लुटियांस को कहा कि भाई अब आप नई दिल्ली का निर्माण करिए सही से। ये लुटियांस है, इन्हें कहा गया, इन्हें दायित्व सौंप दिया गया कि आप अब दिल्ली को बनाइए। इन्होंने कहा काहे बनाए, कहन क्योंकि जॉर्ज पंचम आ रहे हैं। जैसे कि एक साधारण सा उदाहरण समझिएगा कि जब कोई मेहमान आता है घर में, ठीक है, मेहमान मतलब मान लीजिए कि कोई लड़की को देखने वाले आ रहे हैं, लड़के वाले आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे घर की सफाई करवाते हैं। भाई ऐसा तो अभी मतलब मैंने देखा है लोगों को कि लोग घर की सफाई करेंगे, नए नए चद्दर को बिछाएंगे, नई नई मिठाइयां आएंगी लोगों के लिए। जब कोई आता है मतलब उसकी सेवा करने में लग जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो खास व्यक्ति है। और जॉर्ज पंचम सम्राट ब्रिटेन का एक ऐसा व्यक्ति है कि अगर जिसकी चीजों में हल्की सी भी कमी की गई तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा प्रभुत्व हो जाएगा। रीजन ये है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शक्तियां नहीं थी, क्योंकि 1858 के अधिनियम के बाद जो शक्तियां थी अब वो कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में जा चुकी थी। मतलब अब राजा पूरी चीज को नियंत्रण कर रहा था भारत, इसलिए सम्राट को खुश रखना बहुत आवश्यक था। और जैसे कि आप इतिहास भी इस बात का गवाह है कि लोग अपने राजा महाराजाओं को खुश रखने के लिए उनके नाम पे कविताएं लिखते थे, उनको कुछ ना कुछ भेंट देते थे, तो भाई जॉर्ज पंचम को भी देना था। एक्चुअली जो एडविन लुटियांस है, इसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जो हमारा सम्राट खूब प्रसिद्ध हो, मतलब खूब खुश हो। यही कारण है कि ये वाइस रीगल पैलेस पे चढ़ा। अब आप कहेंगे सर वाइस रीगल पैलेस क्या है, तो वाइस रीगल पैलेस क्या है, वाइस रीगल पैलेस पे चढ़ा, ठीक। वाइस रीगल पैलेस मतलब राष्ट्रपति भवन, इसका नाम पहले वाइस रीगल पैलेस था। 1950 में क्या हुआ, 1950 में वाइस रीगल से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसका नाम राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति भवन। वाइस रीगल पैलेस पे चढ़ा और वो सोचा कि जब सम्राट आएंगे तो यहां से सम्राट को पूरा दिल्ली दिखना चाहिए। भाई राजा महाराजा अपने किले पे चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, वो पूरा साम्राज्य देखना चाहते हैं, इतनी ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं। तो यही कारण कि इसने नई दिल्ली का एडविन लुटियांस ने ऐसा निर्माण किया कि जब जॉर्ज पंचम आए तो वो वाइस रीगल पैलेस पे खड़े होकर संपूर्ण दिल्ली को देख सके। अब सम्राट आ रहे थे, राजधानी 1912 में बनी दिल्ली, नई दिल्ली, और उनके आने के उपलक्ष्य में आपको पता है जनगणमन भी गाया गया। सबसे बड़ी खास बात क्या हुई कि इसने क्या किया लुटियांस ने, इसने बुलेवार्ड का निर्माण कराया। अब आप हो सकता है ये शब्द नया लगे, बुलेवार्ड क्या होता है, बुलेवार्ड मतलब अगर अभी हाल फिलहाल का एग्जाम्पल दें, कुछ सालों के पहले की जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे तो काफी मुद्दा उठा था कि गुजरात में वो जो बस्तियां हैं, छोटी बस्तियों को दोनों तरफ से बड़ी बड़ी ईंटों से ढक दिया गया था। क्यों, क्योंकि भाई दूसरे देश के आ रहे हैं, ठीक है, अब बड़े बड़े देश के राजा आ रहे हैं, वो राजा ये सब चीजों को देखकर हमारे देश की बुराई ना करें। तो बुलेवर्ड मतलब होता है कि राजा को संपूर्ण फीलिंग चाहिए। बुलेवर्ड मतलब सड़क के किनारे किनारे जब पेड़ लगाए जाते हैं, फूल लगाए जाते हैं, ये। और ये बुलेवर्ड की शुरुआत एक्चुअली भारत में नहीं, ये ब्रिटेन में पहले ही हो चुकी थी। हॉलीवुड मूवी वगैरह अगर आप देखते होंगे तो हॉलीवुड मूवी वगैरह में आप देखेंगे सड़क के किनारे पेड़ लगे होते हैं, ठीक है, तमाम मूवी आप देखते हैं एवेंजर्स वगैरह, तो ये सड़क के किनारे किनारे जो बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, जो फूल लगे होते हैं, इन्हें ही बुलेवार्ड कहा जाता है। अगर आपको अपने राष्ट्रपति भवन पे के इस राजपथ पे भी देखना हो तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। भाई जॉर्ज पंचम आए, ठीक, सम्राट आए, सम्राट जब उस रास्ते से जा रहे तो भाई जनगणमन भी गाया जा रहा था। अब चूंकि सम्राट इस रास्ते से चलकर वाइस रीगल पैलेस में जा रहे थे, इसीलिए इसका नाम किंग्स वे रख दिया गया।
इस सड़क का नाम पहले क्या था, इसका नाम था किंग्स वे। ठीक, किंग माने रास्ता, ठीक, वे सॉरी किंग माने राजा और वे माने रास्ता, मतलब ऐसा रास्ता जिस पर राजा चलता। ये किंग्स वे की लॉजिक भारत की भी नहीं थी, ये 1900 में ऑलरेडी ब्रिटेन में किंग्स वे नाम रख दिया गया कि ऐसा रास्ता जिस पर राजा चलता, क्योंकि यहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजा हर चीज को कंट्रोल करता था। यही कारण है कि इसका नाम किंग्स वे रखा गया। हुआ क्या, भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में। कई सारे हमारे देश में ऐसे नाम थे जो अंग्रेजों के नाम पे थे, पर हम गुलाम नहीं रहे। यही कारण है कि 1955 में किंग्सवे से इसका नाम बदलकर राजपथ रख दिया गया। क्या रख दिया गया, राजपथ। किंग्सवे का नाम बदलकर 1955 में राजपथ और 1950 में वाइस रीगल पैलेस का नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन रख दिया गया। चीजें चलती रही, धीरे धीरे सब कुछ होता रहा। ये आपको पता है कि हमारा इंडिया गेट है, यहाँ पर पहले अमर जवान ज्योति थी, फिर अमर जवान ज्योति को क्या कहते हैं, अब यहाँ से हटाकर संग्रहालय में रख दिया गया है। उसकी जगह पर अब यहाँ पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की क्या कर दी गई, मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। कुछ समय पहले आपको पता है कि जो पीएम आवास था, ठीक, जिस रोड का नाम रेस कोर्स रोड था, उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोक कल्याण मार्ग रख दिया। ठीक, नामों का परिवर्तन होता रहा। ठीक है, हम आपसे बार बार इस बात को कहेंगे, हम अब गुलाम नहीं थे। यही कारण हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी की जब 125वीं जयंती पर उन्होंने, इस बार सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती 125वीं जयंती मनाई गई, काफी धूमधाम से मनाई गई। ठीक है, और हमें जहां तक लगता है कि भारत में पहली बार इतने धूमधाम से मनाई गई, और इसी समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था कि इनकी प्रतिमा का एक अनावरण किया था, जो कि एक होलोग्राम फेज में था। फिर इनकी प्रतिमा तैयार की गई, ये प्रतिमा इनकी लगभग 25 फीट की है। ठीक है, जिसको लाने के लिए 140 टायर वाला ट्रक, लगभग 100 फीट लंबा ट्रक का इस्तेमाल किया गया। काफी न्यूज में भाई था कि टायर 15-20 टायर इसके फट भी गए थे। अब इनकी मूर्ति को वहां पर स्थापित कर दिया गया। तो 1955 में राजपथ और 2022 में इसका नाम कर्तव्य पथ। अब कर्तव्य पथ नाम क्यों किया गया, ठीक है, सार्वजनिक औपचारिकता और अधिकारिता को दर्शाने के लिए राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया। या हम ऐसा भी कह सकते हैं मेरे अनुसार कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जो कि विदेश में रहते हुए अपने देश के कर्तव्य के प्रति हमेशा निष्ठावान रहे, जो कि विदेश में रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ते गए, तो इनके कर्तव्य को भी देखकर इसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया जा सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे देश की तमाम गतिविधियों का जो संचालन, ये हमारे व्यू है, ठीक है, हमारे देश की जो तमाम गतिविधियों का संचालन है, तमाम कार्यभार है, चाहे वो आर्थिक हो, प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, उसका संचालन हमारे राजधानी नई दिल्ली से होता है और राष्ट्रपति भवन है, वहीं पर पीएम आवास है। तो हो सकता है इस राजपथ का नाम इसलिए भी बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। कर्तव्य पथ एक ऐसा नाम जहां से आदर्शान कर्तव्य निष्ठा बनता है, कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति रहता है। और अब हमारा देश पहले से भी बदल रहा है, और भी बदल रहा है। अब ना हम उसको किंग्स वे बोलेंगे, ना अब हम राजपथ बोलेंगे, अब हम उसको कर्तव्य पथ का नाम देंगे। उसके साथ साथ वाइस रीगल पैलेस को हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। तो ये जो एक इतिहास का पोर्शन था कि जॉर्ज पंचम के आने की खुशी में वो किंग्स वे हुआ, वुले वर्ल्ड का इस्तेमाल किया गया, उसके साथ साथ लुटियांस को तमाम प्रकार का काम दिया गया। नई दिल्ली का निर्माण करने वाला एडमिन लुटियांस था, ये सब करंट अफेयर के भी सवाल उठते हैं, वैसे भी सवाल आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा इतिहास था कि किस प्रकार किंग्स वे का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया। ऐसे और भी कई सारे फैक्टों के साथ हम लोग आपके सामने हाजिर होंगे, छोटे छोटे वीडियो के साथ, क्योंकि आप अपनी ज्ञान की सीमा को बढ़ाइए। किताब पढ़कर अच्छी बात है, और अपने ज्ञान को बढ़ाना ये और अच्छी बात है। अगली क्लास में फिर किसी फैक्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत। सभी को धन्यवाद। सब अपना ख्याल रखें।